सब पार्टी डर्टी कमेंट्स करती है और हम सोचते इससे ज़्यादा ख़राब नहीं बोलेगी, उससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऐसी पॉलिटिक्स में जब आपका इंटरव्यू होता है कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, आपने कभी किसी के लिए बैड वर्ड या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं की? आप जो इंटरनल जो कमेंट होते हैं नेताओं के सब के, तो आपने उस उन सब में खुद को कैसे बचा के रखा है? आप राजनीति में हैं और इतने 4-5 साल के बाद भी तमीज से बात करते हैं, ये आपका सवाल था। मैंने ये देखा कि हाउ यू बिहेव विद पीपल इज़ हाउ दे बिहेव विद यू। बीइंग गुड टू पीपल इज़ एक्चुअली स्मार्ट थिंग टू डू। सर, आजकल मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो मैं थोड़ा पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन पूछूंगी। आजकल इलेक्शन है इंडिया में और सब पार्टी डर्टी कमेंट्स करती है और हम सोचते इससे ज़्यादा ख़राब नहीं बोलेगी, उससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऐसी पॉलिटिक्स में जब आपका इंटरव्यू होता है कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, आपने कभी किसी के लिए बैड वर्ड या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं की जो किसी को डिसरेस्पेक्ट करती हो? जैसे आपने अभी साउथ कोरिया की ही बात की, तो आपने जब रिलेशन की बात की तो आपने बात की कि 1950 में भी ये हुआ था और आज भी ये हो रहा है। तो आप जो इस तरह से हिस्ट्री को प्रेजेंट को बिल्कुल मैच्योर करके बात करते हैं या अपनी कंट्री को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और आप जो इंटरनल जो कमेंट होते हैं नेताओं के सब के, तो आपने उस उन सब में खुद को कैसे बचा के रखा है? क्योंकि आपके कमेंट इस तरह के नहीं होते। आप राजनीति में हैं और इतने 4-5 साल के बाद भी तमीज से बात करते हैं, ये आपका सवाल था। तो देखिए ऐसा है, राजनीति में बहुत माने, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन। मैंने ये देखा कि हाउ यू बिहेव विद पीपल इज़ हाउ दे बिहेव विद यू, यू नो। एंड इन मैनी केसेस बिकॉज यू नो, अब जो राजनीति में मैनी लीडर्स देर, अब उनमें से बहुत लोग होंगे जहाँ कहीं ना कहीं पहले, अब जब मैं कूटनीति में था, एम्बेसडर था, कहीं कोई दोस्त था, कोई गेस्ट था, समवेयर वी हैव लुक्ड आफ्टर, आई थिंक मैनी ऑफ अस हैव बीन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। अब आप राजनीति में आ गए उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ते टूट गए, आई मीन यू कीप अप ऑल ऑफ दैट। तो आई वुड से दैट जनरली यू नो, बीइंग गुड टू पीपल इज एक्चुअली स्मार्ट थिंग टू डू। इट इज एंड आई वुड ऑल्सो गिव इट द अदर साइड। बाय एंड लार्ज यू नो, इफ यू आर वेरी रीजनेबल विद पीपल, आप अगर थोड़ा भी अपसेट हो जाएं, पीपल टेक इट वेरी सीरियसली, उसका भी फायदा होता है। सो बट आई वुड यू नो honestly say that for me, you know, as I'm coming to the end of this term, it has been for me actually, usually at my age people don't always have a chance to learn something new, so I'm very thankful for that opportunity.